एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज टू द पॉइंट। अभिमन्यु आईएएस इज अ प्लेटफॉर्म विच हैज एक्सपीरियंस इन यूपीएससी एंड वेरियस पीसीएस एग्जामिनेशन, हैज डिलीवर्ड मोर देन 2200 रिजल्ट्स सिंस 23 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस सिंस 1999। एंड टू द पॉइंट इज अ सीरीज वेयर वी टॉक अबाउट वेरियस करंट अफेयर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। कि वंस अ टॉपिक इज कवर्ड इन टू द पॉइंट, इट इज कवर्ड। तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट। एंड इफ यू वांट टू कवर द होल कोर्स फॉर प्री एज वेल एज मेंस, सो चेक आउट दिस कोर्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज अवेलेबल बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म। दिस कोर्स कवर्स ऑल योर करंट अफेयर्स, ऑल योर करंट अफेयर नीड्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड यू ऑल्सो गेट अ 7 days ट्रायल पीरियड, यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। एंड मूविंग टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक, इट इज सदन राइज ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस, अ न्यू वायरस हैज बीन फाउंड। एंड अगेन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दिस SRBSDV, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, वीडियो में हम आगे यही इसको बोलेंगे SRBSDV, विच स्टैंड्स फॉर सदन राइज ब्लैक स्ट्रीक्ड ड्वार्फ वायरस। अब ये सदन का मतलब आपको समझ में आएगा अभी कि वाई इज इट कॉल्ड सदन। इट्स रेफरिंग टू अ ज्योग्राफिकल एरिया। तो इस नाम के अंदर ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड एज इट इज नाम आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा इन केस इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है। एंड इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो हमारे लिए इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पंजाब में फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला है एंड इसका जो इफेक्ट है दैट इज़ वेरी रियल। इट कॉजेज स्टंटिंग और ड्वार्फिंग ऑफ द प्लांट। दिस इज द प्लांट दैट शुड बी एंड दिस इज हाउ इट अफेक्ट्स द प्लांट। तो आप देख रहे हैं। एंड मोर ओवर एक एग्रीकल्चरल स्टेट के अंदर अगर कोई क्रॉप से रिलेटेड डिजीज आती है तो ये हमारे लिए एक मुद्दे का जो है एक मुद्दे की बात बन जाती है। इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ता है कि व्हाट द वायरस इज, इसको व्हाट इज द ट्रांसमिटिंग एजेंट एंड इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ में जो है एक्टिव हो जाती हैं। तो टू द पॉइंट में हम टू द पॉइंट तरीके से आज उसको देखेंगे कि क्या चीज़ है। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये जो डिजीज को है वो फाइंड किया किसमें, दैट हैज इंपैक्टेड पेडी क्रॉप। पेडी क्रॉप राइस की जो क्रॉप रहती है, पेडी को मतलब राइस को पेडी कहा जाता है उसकी क्रॉप को, इन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये और फर्स्ट टाइम ये फाइंड हुआ है। तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ये नया एक वायरस हमें देखने को मिले हमारे यहाँ पे। वायरस नया नहीं है, इट इज बिंग इन प्रैक्टिस जो है, ये वायरस जो है जो इफेक्ट कर रहा है ये बहुत टाइम से कर रहा है अलग अलग जगह पे डिफरेंट कंट्रीज में। यहां पे पंजाब में फर्स्ट टाइम देखने को मिला ये। लेट अस सी कि ये है क्या। एक डिजीज है जो कि पैडी क्रॉप को कर रही है हरियाणा में एंड इज कॉजिंग ड्वार्फिंग, जो मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था कि प्लांट की ड्वार्फिंग हो गई है। तो ये इसका एक इफेक्ट है कि ड्वार्फिंग करता है। किसके आफ्टर नेम्ड है, इट इज नेम्ड आफ्टर सदर्न चाइना, जहां पे ये फर्स्ट टाइम जो है ये रिपोर्ट हुआ था इन 2001। चाइना से काफ़ी वायरसेस जो हैं एक्सपोर्ट होते हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सदर्न चाइना से है तो ये नाम भी उसका जो है उसके ऊपर रखा गया है। तो दैट इज़ दी नॉमिनक्लेचर इस केस में कि सदर्न वर्ड वहाँ पे क्यों है। ट्रांसमिट कैसे होता है, इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, है ना, इन अ परसिस्टेंट सर्कुलेटिव एंड प्रोपोगेटिव मैनर। वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर, ये एक टाइप का टिक होता है जो कि क्रॉप्स के ऊपर देखने को मिलता है। इन जनरल ऑल्सो ये जो पर्टिकुलर हॉपर है, ये जो पर्टिकुलर टिक है, ये बहुत भरपूर मात्रा में हमारे इंडिया में पंजाब रीजन में इसमें ये ऑलरेडी पाया जाता है। तो वायरस बाहर से आया है, वायरस नया है हमारे इसके लिए, बट हमारे पास ट्रांसमिटिंग एजेंट जो है वो ऑलरेडी भरपूर मात्रा में यहाँ पे है। तो इसका जो एजेंट है, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल बिहाइंड इट। सो ये है इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैसे होती है ऑफ दिस वायरस, मे अकर थ्रू ये WBPH। अब हम ये जो हमने वाइट बैग जो हमने अभी ये प्लांट हॉपर की जो बात करी थी लास्ट वाली स्लाइड में, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ या दिस वन, तो ये लॉन्ग उसमें कैसे ट्रांसमिट होता है, ये मे अकर थ्रू WBPH माइग्रेटिंग विथ टाइफूंस। टाइफूंस एक पर्टिकुलर रीजन के साइक्लोन्स को कहा जाता है, देख लेना क्या चीज़ है वो।
विद टाइफूंस एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड्स. तो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिशन इसकी ऐसे है. RBS-DV इंड्यूसेस, अभी देखिए ये इसके इफेक्ट्स है, एग्जैक्ट इफेक्ट्स की और क्या क्या होता है. स्टंटिंग ये हमने देख लिया, ड्वार्फिंग स्टंटिंग यहाँ पे थोड़ा सा हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे, वैसे फर्क होता है दोनों में. स्टंटिंग, डार्कन्ड एंड स्टिफ लीव्स ऑफ क्रॉप्स एंड वीड्स ओनली इन दी फैमिली पोएसिए, इसको ऐसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, पोएसियाई. अगर कोई देखो इंटरव्यू में बोलना पढ़ने लग जाए तो पोएसियाई, पो ए सी आई, ऐसे जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि पोएसियाई इसको इसको ये बोलते हैं, फैमिली पोएसी. क्या चीज है देखो, अब यहां पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों इसका नाम यहां पे इतना कॉम्प्लेक्स नाम आपको बताया जा रहा है और मैं प्रोनाउंसिएशन भी आपको बता रहा हूं, इज बिकॉज इसकी एक छोटी सी जो है एक डेफिनेशन है जिसके थ्रू हमें समझ में आएगा कि ये किस किस चीज को इफेक्ट कर सकता है. उसने एक फैमिली ऑफ प्लांट्स को जो है यहाँ पे लिख दिया है, तो पूरी फैमिली ऑफ प्लांट्स इस पर्टिकुलर वायरस से और इस पर्टिकुलर टिक से जो है वो अफेक्टेड है. पोएसियाए और ग्रेमिने, ये इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है, इज अ लार्ज एंड नियरली यूबिक्यूस फैमिली ऑफ मोनोकॉटिलिडनस. मोनोकॉट्स जो बीज होते हैं उसमें, जिसमें मोनोकॉट होता है, एक डाइकॉट होता है, एक मोनोकॉट होता है. तो मोनोकॉट में हम क्या क्या खाते हैं, गेहूं, चावल, ये सारे मोनोकॉट्स हैं. फैमिली ऑफ मोनोकॉटिलिडनस फ्लावरिंग प्लांट्स कॉमनली नोन एज ग्रासेस. इवन आर राइस एंड ऑल राइस वीट, ये सारे टाइप ऑफ ग्रास ही हैं. तो दिस वायरस इंड्यूसेस एक्सट्रीम स्टंटिंग, डार्कन्ड एंड स्टिफ लीव्स इस सारे फैमिली के अंदर. राइट नाउ हमने राइस में पाया है, बट इसका इफेक्ट इट इज बियॉन्ड दैट. अब नया वायरस है, इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर बात देखें, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें. सिंस देयर वाज नो करेक्टिव मेजर फॉर दिस वायरल डिजीज, फार्मर्स हैव बीन एडवाइज्ड सेवरल मेजर. कुछ एडवाइस हैं कि फार्मर्स इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं. PAU के थ्रू ही ये एडवाइजरी जो है वो लागू भी हुई है. फर्स्टली, फार्मर शुड रेगुलरली मॉनिटर द क्रॉप फॉर द प्रेजेंस ऑफ जो हमारा ट्रांसमिटिंग एजेंट है WBPH, वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर. लेट मी शो यू दिखता कैसे, फिर थोड़ा सा चलते. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड WBPH, वाइट बैग्ड. ये बैक वाइट, और ये बहुत जूम्ड इन इमेज है, इट इज नॉट एज बिग एज इट इज लुकिंग. यहाँ पे असली में आपको ये दिखेगा, ये एक ट्विग है, ये एक छोटा सा ट्विग है जिसके ऊपर बहुत छोटा सा कीड़ा है. मतलब बहुत जूम्ड इन माइक्रो इमेजरी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, पर ऐसा सा कीड़ा होता है. तो जस्ट यहाँ पे रेफर इसलिए किया जा रहा है कि इफ़ यू सी इट वंस तो थोड़ा सा याद रह जाता है, मेमोरी एड है. दैट इज व्हाई आई हैव पुट यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स एंड ऑल. तो हमने मॉनिटर करना है कि ये वाला टिक है या नहीं, एंड अ फ्यू प्लांट शुड बी स्लाइटली टिल्टेड ताकि ट्रांसमिशन जो है रुक जाए, एंड टैब्ड 2-3 टाइम्स एट द बेस एट वीकली इंटरवल. मतलब एक एक हफ्ता रुक के आपने उसको टैप करना है एक बार कि झड़ जाए. इफ द टिक्स आर देयर तो दे फॉल ऑफ या समथिंग. सेकेंडली, इफ WBPH निम्स / एडल्ट्स, मतलब रिप्रोडक्शन वाली जो बात हो रही है, आर सीन फ्लोटिंग ऑन वाटर, तो मतलब उसकी प्रेजेंस है, तो उसका मतलब है कि प्रेजेंस आ गई है वहां पे, देन इंसेक्टिसाइड्स कैन बी स्प्रेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्लांट्स. है ना, ये सिंपल इनफ. अगेन प्रिवेंटिव मेजर है, ये क्यूरेटिव नहीं है. लास्टली, फार्मर्स आर एडवाइज टू फॉलो द ट्रांसप्लांटिंग डेट्स एडवाइज्ड बाई PAU. ट्रांसप्लांटिंग का मतलब होता है कि इसकी छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उसको हम प्लांट करते हैं, रादर देन प्लांटिंग सीड्स. तो हम राइस जैसे प्लांट होते हैं उसको है, तो ये बोल रहे हैं कि जो ट्रांसप्लांटेशन है वो जो डेट्स हैं उसको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए, बिकॉज स्टंटिंग वॉज ऑब्जर्व टू बी मोर इन अर्ली ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स. ये एक और इशू है कि हम जो प्लांट जो क्रॉप है इसकी राइस की उसको प्रिस्क्राइब थोड़ा पहले करते हैं ताकि मेच्योरिटी हमारी थोड़ी पहले आ जाए और हमारे पास मंडी में थोड़ा एज मिल जाए, तो इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं. तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल टाइम पे करो, इट विल नॉट ओनली हेल्प इन मैनेजिंग द वायरल डिजीज बट ऑल्सो सेव वाटर. तो इसका एक पूरा शेड्यूल होता है, इट इज़ अ टॉपिक फॉर मे बी सम अदर डे, इनकेस कोई करंट अफेयर आता है तो टू द पॉइंट तरीके से उसको भी हम जो है कवर कर लेंगे. अदरवाइज क्लास के अंदर विच इज़ द कोर्स दैट आई अर्लियर मेंशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके अंदर वी हैव डिस्कस थोड़ा सा इसके अराउंड कि यार ये क्यों ऐसे होता है, क्या मतलब है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का.
शेड्यूल का क्या मतलब है बेसिकली. सो दैट इज अबाउट द वायरस. दिस इज द ट्रांसमिशन एजेंट जो मैंने आपको बताया था. लेट अस सी एक स्मॉल क्वेश्चन. यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर इट एंड लेटर ऑन वेरीफाई इट. आई एम प्रोसीडिंग विद द आंसर. यहाँ पे सेलेक्ट दी. अब देखो ध्यान से देखना होता है. सेलेक्ट दी क्या पूछा. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस. इट ओनली अफेक्ट्स राइस प्लांट्स. देखो हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था कि राइस प्लांट्स में है, बट हमने वो भी देखा था कि जो उसकी फैमिली थी दैट वॉज पोएसियाई फैमिली. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. व्हाइट बैक प्लांट हॉपर इज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट. यस इट इज अ ट्रांसमिटिंग. ये सिंपल इनफ. तो हमारा आंसर बनेगा बी. सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक. इसमें काफ़ी पोटेंशियल है. इन केस यू वांट टू मेक नोट्स तो वीडियो को आप थोड़ा आगे पीछे करके उसको पॉज करके आप एग्जैक्टली वही लिख सकते हैं. इससे बाहर आई डोंट थिंक कि कुछ पूछा जा सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज टू द पॉइंट एंड दिस इज अभिमन्यु आईएएस.